हमारे एजुकेशनल चैनल बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब टीपू सुल्तान के बारे में क्या राय रखते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का ये मानना था कि 20वीं शताब्दी में भारत में रॉकेटों का विकास महान योद्धा टीपू सुल्तान के ख्वाबों की ताबीर है। कलाम साहब ने लिखा है कि टीपू सुल्तान की मौत के बाद 1799 में तुरुखान हाली की लड़ाई में ब्रिटेन के सैनिकों ने 700 रॉकेट हासिल किए और 900 रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी। जब डॉक्टर कलाम साहब वर्जीनिया में नासा साउंडिंग रॉकेट प्रणाली के लिए गए थे, तब उन्होंने वहां परिसर में लटकी एक तस्वीर में जो देखा, उसे देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने तस्वीर में देखा कि रॉकेट उड़ाने वाले सैनिक गोरे नहीं बल्कि श्यामल रंग के थे। डॉक्टर कलाम साहब ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि चित्र के प्रति मेरी जिज्ञासा अधिक अच्छी साबित हुई, क्योंकि लगा कि पेंटिंग में टीपू सुल्तान की फौज अंग्रेजी सेना से लड़ रही थी। कलाम साहब ने लिखा है कि पेंटिंग की सच्चाई को टीपू के देशवासी भले भूल गए, लेकिन नासा में भारत को रॉकेट का नायक कहकर सम्मानित किए जाने पर मैं गर्व कर रहा था। इतिहासकार लिखते हैं कि रॉकेट के बल पर मैसूर सेना ने अंग्रेजों को 1780 और 1799 ईस्वी में हरा दिया था। टीपू सुल्तान के ज़माने में पेटेंट कानून नहीं थे, फिर भी उनकी शहादत के 150 वर्षों बाद तक रॉकेट प्रणाली की दुनिया से जैसे समाप्ति हो गई थी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।